अभी हम बनाएंगे पंजाबी छोले, पंजाबी छोले बनाएंगे हम अभी, जिसके लिए हमने तेज पत्ता, कटी हुई टमाटर, प्याज कटा हुआ, अदरक कटा हुआ, लहसुन कटा हुआ, ये छोले भिगो के हमने उबाल दिया था, कटी हुई धनिया पत्ता, जीरा, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, हल्दी, कढ़ाई जिसमें हम डाल लेंगे तेल, ये तेज पत्ता कढ़ाई में, और ये जीरा, जीरा हम कढ़ाई में डाल लेते हैं, ये लहसुन कटी हुई हमने कढ़ाई में डाल लिया, ये कटी हुई अदरक, कटी हुई अदरक कढ़ाई में हमने डाल लिया, इसको मिक्स कर लेते हैं, ये सब हमारा मिक्स हो गया, और इसमें कटा हुआ प्याज, कटा हुआ प्याज हमने कढ़ाई में डाल लिया, इसको हम मिक्स कर देते हैं, सब मिक्स हो गया हमारा, जीरा, तेज पत्ता, कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक, और इसमें हम डालेंगे नमक, ये नमक हमने डाला, और नमक कुछ, इसको मिक्स कर देते हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं, पंजाबी छोले के लिए ये मसाले हमको लगे हैं, कटा हुआ टमाटर डाल लेते हैं, टमाटर को भी मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके टमाटर पकाएंगे, ऐसा फ्राई करके टमाटर को पकाएंगे, टमाटर को चला लेते हैं, टमाटर हमारा पकने लगा है, इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये हमारा गरम मसाला हम इसमें डाल के मिक्स कर देंगे, ये सारे मसाले हमारा इसमें मिक्स हो चुका है, और फिर हम इसको पकने देंगे टमाटर प्याज के साथ, इसे हम चलाएंगे, टमाटर प्याज के साथ सारे हमारे मसाले पंजाबी छोले के लिए, उसमें डालेंगे पानी, ये पानी उबली हुई पहले से गर्म किया हुआ था पानी हमारा, इसको सबको मिक्स कर देंगे, हम मिक्स कर लेंगे ऐसे, देखिए हमारा ग्रेवी रेडी हो रहा है, और इसमें डालेंगे हम उबले हुए छोले, छोले को हमने रात में भिगोया था 6 घंटा, फिर उसको हमने प्रेशर कुकर में पकाया, और फिर हम इसका पंजाबी छोले बनाए, जाएगा धीरे धीरे, ये हमारा छोले रेडी है, इसको हम निकाल लेते हैं, ये छोले हमारा रेडी हो गया, बर्तन में इसको निकाल लिया, ये हमारा पत्ता छोले को पत्ता डालेंगे कटी हुई, ये छोले हमारा रेडी हो गया।